हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सीएससी ने जो बिजली बिल को लेकर के नई एक योजना जारी की है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इसमें किस तरह से वीएलई से इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, किस तरह से एक वीएलई इसमें फ़ायदा उठा सकता है, इस स्कीम का सारी बातें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ सीएससी का एक डबल स्टैंडर्ड है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी इसी वक्त। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हुआ क्या कि एक सीएससी भाई हैं जो कि हैं झारखंड से, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और खुशी खुशी में इन्होंने अपनी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर किया ट्विटर पे त्यागी सर जी के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। सर को ये चीज रास नहीं आई और सर ने कह दिया यू कांट यूज सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड नेम, इट इज इलीगल, क्योंकि यहाँ पे सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का नाम लिया गया है। सर, अगर ये इलीगल है तो किस तरह से सीएससी अपनी वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम यूज करती है, ये समझ में नहीं आता है। सीएससी कंप्लीटली एक प्राइवेट कंपनी है। सीएससी का बैक स्टेज जो भी रिलेशन होगा गवर्नमेंट के साथ वो अलग है, लेकिन ऑन पेपर कोई रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट और सीएससी के बीच में। तो क्यों इस तरह का नाम सीएससी यूज कर सकती है अपनी वेबसाइट पे, जबकि एक वीएलई अगर यूज करता है तो ये गलत हो जाता है, जबकि आधिकारिक तौर पे सीएससी के साथ ही वीएलई काम करता है, इसके प्रूफ भी होते हैं और हर तरह से जो भी काम वीएलई करते हैं वो सीएससी के अंतर्गत ही करते हैं, उनके स्कीम्स पे ही काम करते हैं। तो किस तरह से ये इलीगल और गलत हो जाता है पता नहीं है मुझे। एक चीज और बता देती हूँ, इन भाई ने अब जो है अपना वेबसाइट चेंज कर लिया है, एडिट कर लिया है और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कॉमन सर्विस सेंटर, जबकि पहले इन्होंने कुछ और लिखा हुआ था। सीएससी के डबल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो पूरा वीडियो उसी में चला जाएगा। तो बात करते हैं मेन मुद्दे पे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और लाइक करने में प्लीज कंजूसी ना करें। और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको लेकर के आ जाती हूँ ट्विटर हैंडल पे त्यागी सर के, और पहले पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा गया है इस पोस्ट के अंदर, इसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत बिल पर सरचार्ज में 100% की छूट के लिए लाई गई कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना सीएससी सेंटरों के माध्यम से भी शुरू। अब आपके साथ जो गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो तीन है मेनली, और तीन मिसकंसेप्शन हम बताएंगे आपको। तो वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कि इसमें 100% तक की छूट मिल रही है, तो ये अप टू 100% आप ज्यादा मान करके रखें, ना कि 100%, क्योंकि यहाँ पे टाइम बाउंडेशंस है कि किस दिन से किस दिन तक का चार्ज है, तो उसके हिसाब से आपको 100% बोला जा रहा है, जबकि ये एक्चुअली आप माने तो 100% नहीं होगा। दूसरी बात ये कि सीएससी के माध्यम से अब ये शुरू हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ सीएससी सेंटर्स पे मिल रहा है। इसका लाभ आप दूसरी जगह भी बिजली बिल जमा करेंगे तो आपको यही लाभ मिलेगा। तो एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं है सीएससी सेंटर्स के लिए यहाँ पे। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो लोग बता रहे हैं कि आप घर जैसे रेसिडेंशियल होते हैं लोग, रेसिडेंशियल के लिए भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या उनका भी बिल भर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल के लिए ही एप्लीकेबल है, और कमर्शियल में भी यहाँ पे एक बाइफर्केशन है, वो बाइफर्केशन भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगी। हालांकि नीचे क्या लिखा गया है पहले वो पढ़ लेते हैं। यह योजना दिनांक 15/12/2020 से 31/1/2021 तक लागू रहेगी। बकायेदार उपभोक्ता इस अवधि में अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बेसिकली अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके पास, और उसके बाद जो है आप इसका फायदा जो है उनको मिलेगा। तो अभी ऐसा भी नहीं बताया जा रहा है कि आप उनका बिजली बिल कलेक्ट कर लें, ये सब नहीं है। तो इस चीज को भी लेके आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि पहले पंजीकरण कराना है ताकि आप इस योजना का लाभ ले सकें। अब यहाँ वापस आ जाते हैं, यहाँ क्या लिखा गया, इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त LMB 2, LMB 4B, LMB 6
श्रेणी के बकायेदारों को उनके दिनांक 30/11/2020 तक के विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हर कैटेगरी के लिए नहीं है, यहाँ पे कैटेगरी भी बाइफर्केट करके क्लियरली बता दी गई है कि किन किन श्रेणी के लोगों को ये मिलेगा, और यहाँ पे क्लियर कर दिया जा रहा है कि औद्योगिक के लिए, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नॉन कमर्शियल, जैसे जो रेसिडेंशियल घर होता है या उनके लिए भी ये लागू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये रेसिडेंशियल के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के भी ये लिए हैं, तो इसके अंतर्गत आप पंजीकरण शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो बिल पेमेंट का प्रोसेस होगा वो होगा, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है, आप ये ध्यान से समझ लें कि कौन कौन लोग इसके कैटेगरी में फॉल करते हैं, वरना फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन सामने कस्टमर को देंगे, कस्टमर को भी इसमें पता नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ले लोगे या ऐसा, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे मतलब कुछ भी संभावना नहीं है इस तरह की चीज की, क्योंकि आपको पोर्टल पे ही एग्जैक्टली डिडक्टेड अमाउंट कितना है वो दिखा देता है। तो जुगाड़ के चक्कर में आप इसमें भी मत रहना, कोई जुगाड़ लगेगा नहीं इसमें बेसिकली। और सरकार ये जो बेनिफिट दे रही है लोगों को, वो इसलिए दे रही है क्योंकि उनके ऊपर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, कभी सामान बिक्री नहीं होता है, तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें भी अगर रियली अपना फायदा देखने लगेंगे तो ये शायद सही स्टेप नहीं होगा। इसके लिए मैं बता रही हूँ कि इसमें कुछ भी जुगाड़ ना लगाएं, और फिर जो सही सही प्रोसेस है वो ही करें आप। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आधार यूसेज को लेकर के कल जो मैंने वीडियो बनाया था, उस पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये पुरानी फॉर्मेट है और ये बहुत पहले आया, तो ये स्टेप बाय स्टेप हर किसी को मेल आ रहा है। ऐसा ना सोचे कि आपको नहीं आया है तो आपका प्रोसेस कैंसिल हो गया है, या फिर आपको जल्दी आ गया है तो आपको जल्दी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन बाय वन सबको मिल रहा है, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए और ऐसा मत बोलिए कि ये बहुत पहले आ गया था या बाद में आ गया था, वैसा कुछ नहीं है। मैंने वीडियो में भी बताया था ये चीज़, और फिर बता रही हूँ कि इसका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके ही आपको ये फॉर्म दिया जा रहा है फिल करने के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब थैंक यू।